पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। मैं संक्षेप में आपको बता दूं, 17 कंप्लेंट्स हैं हमारी चार्ट में, 17। ये आवश्यक है कि जिसको हमने संवैधानिक रूप से एक पुलिसमैन बनाया है, संरक्षक बनाया है इस पर्टिकुलर क्षेत्र का, अधिकार क्षेत्र का, वो तुरंत ठोस, सही और स्पष्ट एक्शन ले। कांग्रेस पार्टी का ये डेलीगेशन अभी चुनाव आयोग से आया है बाहर। हम धन्यवाद करते हैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने बहुत अल्प समय में हमें जल्दी से जल्दी मीटिंग और कंप्लेंट अपनी दोहराने और बताने के लिए व्यापक रूप से समय दिया। हम आशा और विश्वास करते हैं कि ठोस कदम जल्द से जल्द उठाए जाएंगे। मैं संक्षेप में आपको बता दूं, 17 कंप्लेंट्स हैं हमारी चार्ट में, 17। मैं सिर्फ 3 या 4 के बिंदु बताऊंगा आपको समय बचाने के लिए। सभी बहुत गंभीर हैं और सभी हमारे मूल सिद्धांत जो इस स्वतंत्र भारत के हैं उनका उल्लंघन करते हैं, उन पर आघात लगाती हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि जिसको हमने संवैधानिक रूप से एक पुलिसमैन बनाया है, संरक्षक बनाया है इस पर्टिकुलर क्षेत्र का, अधिकार क्षेत्र का, वो तुरंत ठोस, सही और स्पष्ट एक्शन ले, क्योंकि ये हमारे संविधान के सभी आत्मा के जितने भी प्रावधान हैं उनके बारे में है। सबसे पहले है हमारी कंप्लेंट नंबर 17। इस देश के, और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं वास्तव में उनका आदर करता हूँ, क्योंकि बहुत मुखर वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। ये कल परसों कैंपेन के दौरान राजस्थान में कहा गया। इसमें मैं इसको भद्दा मानता हूँ, मैं इसको दोहराऊँगा नहीं, लेकिन इसके 4-5 तत्व आपको याद दिलाऊंगा जिसको हमने पूरी तरह से चुनाव आयोग के सामने रखा। इसमें एक समुदाय एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरण है, स्पष्ट नाम के साथ। नंबर 2, ये बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो समुदाय इस देश की अल्प रिसोर्सेज को हड़प सकता है, हड़प लेगा, कांग्रेस उनको दे देगी इस प्रकार के अल्प रिसोर्सेज, उस समुदाय उस धर्म को। नंबर 3, उस समुदाय और उस धर्म को घुसपैठियों के साथ बराबर में जोड़ा गया है। ये बड़े स्पष्ट शब्द हैं, प्रकाशित शब्द हैं, आपके सब चैनल्स पे हैं, आपके सब प्रकाशन में हैं। नंबर 4, ये कहा गया है कि इसका आघात भारत के हिंदू धर्म के कई जो बहुत स्थापित सिंबल्स हैं, मंगलसूत्र एक उदाहरण है, उस पर आघात हो सकता है। मैं वापस हाथ जोड़कर कहूँगा कि इतने बड़े ओहदे के चीफ एग्जीक्यूटिव, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, उन्होंने सीधा उल्लंघन किया है, सीधा उल्लंघन किया है 123, जो किसी रूप से धर्म के आधार पर कोई वक्तव्य अलाव नहीं करता है चुनाव के वक्त। नंबर 2, चुनाव आयोग के बार बार बारंबार सर्कुलर्स का उल्लंघन है, उसका आखिरी सर्कुलर 2024 का, वो भी ये कहता है कि किसी रूप से, परोक्ष हो या सीधा हो, आप धर्म के आधार पे ऐसा कोई आक्षेप या एक संकेतात्मक रूप से भी, या तो सीधा है, नहीं कर सकते। नंबर 3, उन्होंने भारतीय संविधान की अस्मिता पे आघात किया। भारतीय संविधान एक गौरवशाली संविधान है जो बोम्माई केस के पहले से कहता है, पहले से, कि धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। मूल ढांचे का अभिन्न अंग होने का मतलब होता है कि संविधान संशोधन द्वारा भी उसको आप नहीं बदल सकते।
अगर ये बात है तो आप समतल जमीन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड, गणतंत्र लोकतंत्र के लिए डेमोक्रेसी, ये सब एक अभिन्न अंग है मूल ढांचे के। आप इस प्रकार के आपसी वैमनस्य के वक्तव्यों द्वारा इसको बिल्कुल नॉन समतल, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं और इसका इलाज सिर्फ चुनाव आयोग के पास है। इसलिए जो आप, और मैं कह रहा हूँ ये कि इसमें भारत की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे संविधान की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री के पद की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे चुनाव आयोग के क्रेडिबिलिटी का सवाल है। इसलिए आप वो सब जो करते हैं, जो आम आदमी के विषय में करते हैं, वो प्रतिबंध आपको लगाना पड़ेगा, चाहे कोई कितना बड़ा हो, चाहे कोई कितना छोटा हो।